कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे अपने 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। अविनाश पांडे का कांग्रेस के नेताओं ने भव्य स्वागत किया है। इसके साथ ही 3 दिनों तक कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। राजधानी रांची में उनके पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए और उनके स्वागत में नृत्य भी किया। उन्होंने आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने के बाद रिक्त हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के पद पर अविनाश पांडे की राह झारखंड में आसान नहीं है। राजस्थान के प्रभारी रह चुके अविनाश पांडे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और विपरीत परिस्थितियों में ही उन्हें झारखंड का प्रभार मिला है। कांग्रेस राज्य की सत्तारूढ़ गठबंधन का अहम सहयोगी है। आरपीएन सिंह की ओर से एकाएक दल बदलने से संगठन के अंदर उथल पुथल की स्थिति है और विधायकों में भी कहीं ना कहीं बेचैनी है। कयास यह लगाया जा रहा है कि आरपीएन अपने प्रभाव वाले विधायकों को अपने साथ लेकर भाजपा को लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अविनाश पांडे को तत्काल विधायकों के बीच पैठ पढ़ाने के लिए राजधानी रांची आना पड़ा। विधायकों के संपर्क बढ़ाकर उन्हें विश्वास जीतने की कवायद भी अविनाश पांडे को अब करनी होगी। कांग्रेस कोटे से राज्य सरकार में 4 मंत्री हैं, जिसमें से एक तबका यह चाहता है कि उन्हें भी मंत्री पद की कमान सौंपी जाए। ऐसी स्थितियों में संगठन के अंदर विरोधाभासी स्थिति है और अविनाश पांडे की चुनौतियाँ झारखंड में गंभीर होने वाली है। अध्यक्ष की सलाह से कांग्रेस की सशक्त टीम भी बनानी होगी। इसमें कार्यकारी अध्यक्षों की भी भूमिका दिखाई देगी, लेकिन राजेश ठाकुर जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आरपीएन सिंह के बेहद ही करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर सौंपी है और ये नेतृत्व को लेकर वो कितना खरा उतरते हैं यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है 20 सूत्री से लेकर बोर्ड निगमों और आयोगों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को शामिल कराने का दबाव भी उन पर बढ़ेगा, जिससे उन्हें निपटना होगा। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि अविनाश पांडे क्या वाकई में झारखंड कांग्रेस को एकजुट कर संगठन की राह में आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।